गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो पार्ट अपने पास था रेले विधि द्वारा अपन ने कुंडली का सब प्रेरकत्व ज्ञात किया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण चार प्रकार की होती है। इनके चार क्या थे अपने पास? मैक्सवेल की समीकरणें प्राप्त होती है। अब देखिए किस किस प्रकार होती है, ये 1887-88 के आसपास की पाठ था, ठीक है। इसमें मैक्सवेल ने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो रिलेशन प्राप्त होते हैं उनके द्वारा उसने क्या किया था, मैक्सवेल की इक्वेशन प्राप्त की थी, ठीक है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। देखो मैक्सवेल ने समीकरण किन किन आधार पर निकाले, चार पार्ट निकाले थे उसने मैक्सवेल ने। एक तो था चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। सेकंड पार्ट था विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। थर्ड पार्ट था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो फैराडे ने प्राप्त किए थे। और लास्ट कौन सा था, एम्पीयर का नियम, ठीक है ना। इनके आधार पर ही क्या निकाले थे, मैक्सवेल ने चार पार्ट प्राप्त किए थे। जैसे कि स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट कौन सा था इसमें, मैक्सवेल विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आता है, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। और सेकंड कौन सा आता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। सेकंड कौन सा था, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ठीक है। और थर्ड कौन सा आता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। थर्ड कौन सा था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। और लास्ट ऑप्शन कौन सा आता है इसमें, जो लास्ट पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, एम्पीयर का नियम का अपन क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। चार पार्ट अपने पास प्राप्त हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट कौन सा था, देखो मैक्सवेल ने इन्हीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या प्राप्त किया था, रिलेशन प्राप्त किया था। और इन्हीं के आधार पर उसने क्या प्राप्त कर लिए थे, मैक्सवेल की समीकरणें प्राप्त की थी। फर्स्ट कौन सी आती है, उसने चार रिलेशन प्राप्त किए थे, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम सेकंड वाला पार्ट। और थर्ड कौन सा पार्ट होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और लास्ट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, एम्पीयर का नियम, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए एक्चुअली होता क्या है, यानी कि फैराडे का जो नियम आ गया अपने पास और चुंबकीय क्षेत्र के आ गए, अब गाउस के नियम क्या होते हैं, यानी गाउस का नियम क्या होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स उनके मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन कौन सा आएगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फर्स्ट कौन सा आएगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए क्या आएगा, गॉस का नियम क्या होता है,
अब देखिए व्यवस्था नियम होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी अपने को एरिया दे दिया, ठीक है ना, कोई भी बंदोबस्त कर दिया, कोई भी एरिया अपने को दे रखा है, उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है, जो भी आवेश दे रखा है उस आवेश के 1/ε0 के क्या होता है, बराबर होता है। यदि माध्यम दे रखा है तो एप्सिलॉन आ जाएगा, निर्वात दे रखा है तो एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, यानी कि फाइव इक्वल टू क्या आएगा, इसके अनुसार फाइव ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कोई भी एरिया दे रखा है उसमें क्या होता है, गॉस का नियम अपन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पे जो आवेश दे रखा है उसका 1/ε गुणा के रूप में क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स का मान अपने को यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली इसके बाद में क्या प्राप्त करते हैं, ये तो मान आ गया अपने पास गॉस के नियम के लिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, ठीक है। अब ये विद्युत फ्लक्स का टोटल मान कितना आ गया, Q/ε0 के बराबर आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इस वाले एरिया में चुंबकीय फ्लक्स का मान या विद्युत फ्लक्स का मान किस प्रकार होता है, दिया गया है एरिया यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है इंटू जो अल्पांश एरिया दे रखा है, ठीक है ना, जो अल्पांश अपन मान के ले रहे उसका अधिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसके फाइव ई का मान अपने पास यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, समाकल कितना आएगा, ई डॉट डी, ठीक है। सभी के नंबर कोई भी जो फ्लक्स वगैरह दे रखे हैं वो कितना आएगा, ई डॉट डी, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र और सॉरी विद्युत क्षेत्र और अल्पांश का जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, जो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। ई डॉट डी ए किसका मान प्राप्त हो जाएगा अपने को, विद्युत फ्लक्स का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आवेश का जो वितरण है अपन सतत रूप से कर रहे हैं पूरे वाले एरिया में, क्या कर रहे हैं, आवेश का वितरण सतत रूप से अपन उस वाले एरिया को क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आवेश का वितरण सतत, देखो आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है रैखिक रूप से, ठीक है, एक होता है क्षेत्रफल या पृष्ठीय रूप से, और लास्ट वाला कौन सा होता है, आयतन अल्पांश के रूप में, ठीक है ना। यदि उसको सतत रूप से व्यक्त किया जाए, ठीक है, सतत रूप से व्यक्त कर रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, वी रो डी। टोटली जो कोई एरिया दे के अपन चल रहे, कोई निकाय लेके चल रहे हैं उसमें सतत रूप से क्या कर रहे हैं, आवेशों का वितरण कर रहे हैं, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो डीवी के रूप में क्या आ जाएगा अपने पास, विद्युत आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये रो डीवी का मान अपन देखो, अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाली समीकरण क्या करती है, पाई ई इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और पाई ई बराबर वैसे होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में कोई अल्पांश लेके मान रहे हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में कोई अल्पांश लेके चल रहे हैं तो उसमें गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। कोई एरिया आपने अल्पांश एरिया ले लिया तो उसमें गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मान कितना आता है, जो विद्युत फ्लक्स दे रखा है और विद्युत क्षेत्र इंटू अल्पांश का अधिश गुणनफल क्या कहलाता है, हमेशा विद्युत फ्लक्स के रूप में मान प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि इस निकाय में जो आवेशों का वितरण है वो सतत रूप से कर रहे हैं, संपूर्ण पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, रो डीवी के रूप में क्या आ जाएगा, आवेश का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 से क्या आएगा, रो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समीकरण 1, 2, 3 से क्या मान प्राप्त होंगे, समीकरण 1, 2, 3 से क्या मान आ जाएगा, सभी का मान अपन क्या मान आएगा, समाकल एस बी डॉट डी ए इक्वल टू कितना आएगा,
वन अपॉन एप्सिलॉन रो वी, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, समीकरण एक दो तीन से पाई ई का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, कितना मान आया, समाकलन एस ई डॉट डी ए इक्वल टू वन अपॉन ई रो डी वी आ गया समाकलन के रूप में। ठीक है, अब देखिए गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय होती है। ठीक है, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहलाती है, एक तो होती है स्टोक्स की कर्व प्रमेय, जो क्या करती है, जो रेखीय समाकलन होता है उसको क्या करती है, पृष्ठीय समाकलन में चेंज करती है। और एक होती है गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, ये क्या करती है, पृष्ठीय समाकलन को क्या करेगी, जो आयतन समाकलन है उसमें चेंज कर देगी, जो पृष्ठीय समाकलन वगैरह दे रखे हैं उस वाले पार्ट को किस में चेंज कर देंगे, आयतन समाकलन में चेंज कर देंगे। यानी कि जो ES समाकलन DA इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा, V डाइवर्जेंस E इक्वल टू क्या आएगा, DB। ठीक है, जो पृष्ठीय गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहलाती है, जो पृष्ठीय समाकलन दे रखा है उस वाले पार्ट को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, आयतन समाकलन के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो ई डॉट डी ए दे रखा है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस डी वी के रूप में उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मान के आ गया समीकरण नंबर पांच को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर चार और पांच से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ। ठीक है ना, समीकरण नंबर फोर एंड फिफ्थ क्या आएगी, ई डॉट डी ए का मान दो, डाइवर्जेंस ई डी वी इक्वल टू कितना आएगा, वन अपॉन एप्सिलॉन रो डी, इक्वेशन नंबर सिक्स। ठीक है, कितना आया, डाइवर्जेंस ई डी वी इक्वल टू कितना आया, वन अपॉन ई, ठीक है, रो डी, या जो लास्ट की इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना आया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इस वाले इक्वेशन को देखो अपन किस तरीके का लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रो लिखा जा सकता है। ठीक है ना, और जो विद्युत विस्थापन होता है वो क्या होता है, विद्युत विस्थापन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाता है, डी का मान होता है ई एप्सिलॉन ई। ठीक है, उसके विद्युत विस्थापन का मान कितना होता है, डी इक्वल टू ई एप्सिलॉन ई के रूप में, ये वाला मान ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू क्या आया, रो आ गया, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। समीकरण नंबर सेवन, समीकरण नंबर एट, समीकरण नंबर नाइन और समीकरण नंबर, समीकरण नंबर देखो समीकरण नंबर एट और समीकरण नंबर टेन क्या कहलाती है, गॉस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वाले एरिया के लिए क्या है कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। समीकरण नंबर एट और समीकरण नंबर नाइन टेन क्या कहलाएगी, गॉस की फर्स्ट, जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। और इस वाले को यदि अपन समीकरण नंबर फोर के अनुसार देखिए तो ये क्या कहलाएगा, इसका समाकलन रूप कहलाएगा। समीकरण नंबर फोर क्या कहलाएगी, जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है उसका समाकलन रूप कहलाएगा, और जो लास्ट इक्वेशन नंबर एट या इक्वेशन नंबर टेन ये क्या कहलाएंगे, इसके अवकलन रूप कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये क्या था, मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण था।
ठीक है ना। मैक्सवेल के कितने समीकरण होते हैं? मैक्सवेल के चार समीकरण होते हैं। किस किस पर आधारित होते हैं मैक्सवेल का? जैसे फर्स्ट इक्वेशन होगा, किस पर आधारित होगा? विद्युत क्षेत्र के लिए क्या आएगा? गॉस का नियम। और सेकंड वाला पार्ट किसके लिए आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट किसके लिए आएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। और जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी? एम्पियर, जो धारा के लिए एम्पियर का नियम, ठीक है ना, वो वाले मान प्राप्त होंगे। तो फर्स्ट अपन लेके चले थे गॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस का नियम। तो उसके अनुसार क्या होता है? फाई का मान कितना होता है? फाई का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त करें तो क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र इंटू अल्पांश का अदिश गुणनफल। विद्युत क्षेत्र और जो अल्पांश दे रखा है उसका अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? फाई ई के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। जो निकाय में जो आवेशों का वितरण होता है वो क्या होता है? सतत रूप से होता है। आवेशों का वितरण क्या होगा? सतत रूप से होगा। देन क्यू बराबर क्या आया? रूट डीवी। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या आएगा? इक्वेशन नंबर फोर आ जाएगी। समीकरण फोर क्या कहलाती है? मैक्सवेल के जो फर्स्ट नियम होता है उसका क्या कहलाती है? समाकलन रूप कहलाता है। इक्वेशन नंबर फाइव गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय में क्या कहलाती है? पृष्ठीय समाकलन को किसमें चेंज किया जा सकता है? आयतन समाकलन में चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये वाला मान समीकरण नंबर फोर में रख दो, ठीक है। कितना बचेगा? डाइवर्जेंस ई इक्वल टू क्या है? रो अपॉन एप्सिलॉन, या डाइवर्जेंस ई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ई इक्वल टू क्या आएगा? रो आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कितने आएगी अपने पास? एट आ गई। और यदि विद्युत विस्थापन का मान रख दे, डी बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन ई बराबर इक्वेशन नंबर नाइन। और डाइवर्जेंस डी इक्वल टू क्या आया? रो। ये समीकरण क्या कहलाती है? गॉस के नियम के लिए जो मैक्सवेल का फर्स्ट नियम होता है उसके लिए क्या कहलाएगी? अवकलन रूप कहलाता है, ठीक है।